मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8, एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड क्वेश्चन तक मैंने आपको बता दिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है, वेरीफाई द फॉलोइंग एंड स्टेट द प्रॉपर्टी। तो हमें वेरीफाई करना है इन क्वेश्चनों को, प्रॉपर्टी के नाम बताने हैं। तो सबसे पहले हम इन प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं आपकी। मल्टीप्लीकेशन मतलब मल्टीप्लाई का आपको निशान लगाना है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी कहती है, अगर आप टू रैशनल नंबर्स लेते हो और उनकी मल्टीप्लाई करते हो तो जो आपको रिजल्ट प्राप्त होगा वो आपका क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी कहती है कि अगर आप टू रैशनल नंबर्स लेते हो और उनका मल्टीप्लाई करते हो और अगर आप उनके ऑर्डर चेंज कर देते हो, मींस उनका क्रम चेंज कर देते हो, जैसे ए अपॉन बी मल्टीप्लाई सी अपॉन में डी इक्वल होगा आपका सी अपॉन में डी मल्टीप्लाई ए अपॉन बी। आपने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, सी अपॉन डी पहले बाद में था, उसे हमने पहले लिख लिया, फिर मल्टीप्लाई ए अपॉन बी, तो इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, इक्वल आएगा। ये होती है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी होती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपके थ्री रैशनल नंबर्स होते हैं और आप उनके थ्री रैशनल नंबर्स होंगे ए अपॉन बी सी अपॉन में डी एंड ई अपॉन में एफ, थ्री रैशनल नंबर्स होंगे। आप इनके ग्रुप चेंज कर देते हैं, वो होती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ए अपॉन बी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी, हमने एक ग्रुप बना लिया मल्टीप्लाई ई अपॉन एफ, इक्वल होगा आपका ए अपॉन बी मल्टीप्लाई, अब के हम सी अपॉन डी मल्टीप्लाई ई अपॉन एफ को एक ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। तो हमने इनका क्या करते हैं, ग्रुप चेंज करने के बाद भी इनका रिजल्ट क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। ये होती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी दी हुई है, मल्टीप्लीकेशन आइडेंटी। आइडेंटी देखो, एडिशन में और सब्ट्रैक्ट में आपकी जो आइडेंटी होती है वो होती है ज़ीरो, बट मल्टीप्लीकेशन में आपकी आइडेंटिटी क्या होगी, वन, कि वन की अगर किसी रैशनल नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो ही रैशनल नंबर आएगा। वन की मल्टीप्लाई ए अपॉन बी से करी तो आपका इक्वल में क्या आएगा, ए अपॉन में बी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, कि अगर आप किसी रैशनल नंबर की ज़ीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा ज़ीरो। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई द फॉलोइंग एंड स्टेट द प्रॉपर्टी। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 29 इक्वल होगा 6 अपॉन में 29 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 3। तो हमने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, 6 अपॉन 29 बाद में था, इसे हमने पहले लिख लिया, फिर मल्टीप्लाई जो फर्स्ट पे था उसे हमने लास्ट में लिख लिया। तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी आपकी, होगी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का नाम तो हमने बता दिया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और इसे वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करेंगे तो ये रहा आपका क्वेश्चन। तो 3 से 6 को कट करेंगे, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 4 टू जा 8, और 1 की 29 से मल्टीप्लाई करोगे तो 29 इक्वल 2 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 अपॉन में 29 इक्वल आ गया। ये हो गया आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसी टाइप से आपको सेकंड क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, 3 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में है आपका माइनस के 14 अपॉन में 27 इक्वल माइनस के 14 अपॉन में 27 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 7। इसमें भी क्या करा हुआ है, ऑर्डर चेंज करा हुआ है, जो पहले था उसे लास्ट में लिख दिया और जो लास्ट में था उसे पहले लिख दिया। तो ये भी आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या था ऐसे ही सेकंड होगा आपका। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है, 1/3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में है आपका 2/5 प्लस 3/7 इक्वल दिया हुआ है 1/3 मल्टीप्लाई 2/5, फिर प्लस का साइन 1/3 मल्टीप्लाई 3/7। तो ये होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी, किसकी, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन की। ये कल जो
मैंने बताया था आपको फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जब हम ये बता रहे थे कि अगर आपको इस टाइप से दिया होता है तो फर्स्ट की मल्टीप्लाई अगर सेकंड से, फिर प्लस का साइन, और फिर फर्स्ट वाले की ही मल्टीप्लाई सेकंड से, मतलब कि 3/7 से करेंगे और प्लस का साइन आ रहा है, तो ये होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन की। तो इसे वेरीफाई करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था इसी टाइप से, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट किया था, ठीक है। तो 1/3 की इधर हमारे ब्रैकेट वाला सोल्व करेंगे, तो 1/3 मल्टीप्लाई 5 और 7 की मल्टीप्लाई करोगे तो, सॉरी एलसीएम लोगे तो आपका जाएगा 35। तो 2 मल्टीप्लाई 5 से 35 को डिवाइड करा 7, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई 7 को 35 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 5 = 1। इधर मल्टीप्लाई कर लो, 1 की 2 से करेंगे, 2 1 = 2, 3 की 5 से करोगे 15, फिर प्लस का साइन, 3 1 = 3, 3 की 7 से करोगे तो 21, 1/3, 2 की 7 तो आपका 35 है ही, और 2 की 7 से करोगे 14, प्लस 3 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे 15, इक्वल आपका है 2/15, 15 और 21 दोनों ही डिनोमिनेटर में है, डिफरेंट है तो हम इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम। 3 5 = 15, 3 7 = 21, फिर 5 से कट करेंगे, फिर 7 से, तो 3 5 = 15 और 15 7 = कितने होते हैं आपके, 105। तो 15 से 105 को डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 7, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई, और 21 से जब 105 को डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 5, तो 1/3 मल्टीप्लाई। इधर हम 14 और 15 को ऐड कर लेंगे, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो ये हो जाएगा आपका 29/35, 1 2 7 = 14 प्लस 3 5 = 15/105। तो 21 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 29 ये आएगा, और 3 की 35 से करेंगे तो 3 5 = 15, 3 3 = 9 और 1 carry 10, 105 इक्वल। इधर ऐड करेंगे 14 + 15 तो आपका 29/105, ठीक है। तो दोनों ही हमारे लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल आई है, और हमारी प्रॉपर्टी का नाम क्या है इसमें, डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर बच्चों आप करोगे, 3/4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में दिया है 1/2 - 2/3 इक्वल 3/4 - 1/2 - 3/4 - 2/3। इसमें यहाँ प्लस का साइन था और इसमें यहाँ पे क्या है, बस माइनस का साइन, और ये भी आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूट लिख देंगे, ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन की है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो 16/15 मल्टीप्लाई माइनस के 5/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल दिया हुआ है आपको ब्रैकेट में 16/15 मल्टीप्लाई माइनस के 5/2 मल्टीप्लाई 1/2। ये क्वेश्चन तो इसमें आपका ग्रुप चेंज किया हुआ है, जो ब्रैकेट लगा हुआ है वो चेंज किया हुआ है इसमें, पहले वो 5/2 × 1/2 का था, लास्ट की दो रेशनल नंबर्स का था, और अब आपका जो ग्रुप लगाया गया है वो पहले और दूसरे रेशनल नंबर्स में लगाया गया है, और बीच में आपका मल्टीप्लाई का निशान है, तो ग्रुप चेंज कर दिया, तो ये होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये रहा आपका क्वेश्चन। तो सबसे पहले 16/15 ऐसे रख देंगे, सबसे पहले हम ग्रुप का करेंगे जो आपका ब्रैकेट में है, तो 5 - 5 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे -5, 2 2 = 4 इक्वल। यहाँ पे देखो ब्रैकेट में आपका 2 से 16 कट हो जाएगा, कितना जाएगा 8,
और फाइव वन जा फाइव, फाइव से फिफ्टीन कट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा थ्री, तो एट वन जा एट, माइनस का साइन है तो इसलिए माइनस आएगा, और थ्री वन जा थ्री, मल्टीप्लाई वन अपॉन में टू। इधर देखो बच्चों, फाइव से इस टाइप से इधर कट जाएगा, फाइव वन जा फाइव, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फोर वन जा फोर, फोर फोर जा सिक्सटीन, तो फोर की वन से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के फोर, और थ्री वन जा थ्री इक्वल। इधर कट करेंगे टू वन जा टू, टू टू जा फोर, तो माइनस के फोर मल्टीप्लाई में थ्री, तो दोनों ही आपके इक्वल है। और ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।